शुभ संध्या मु लिपुन आपण मानको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुचे। आज संध्यार कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफर्मेशन रहा आपण मैंने सर्वप्रथमें देखिपारे। तो देखु प्रथम अपडेट रही व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट मना इंस्टेंट मेसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप व्यवहारकारी सुरक्षा को दृष्टि रखी आउ एक नूतन वैशिष्ट को अंतर्भुक्त करा जाइछि। एबे आउ मेसेज गुड़िकर स्क्रीनशॉट निया जाय पारिबो नाही जाके सुविधा परे वर्तमान व्यवहारकारी चैट अधिक सुरक्षित हो पारिबो बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट रही राज्य में बुधवार आज 68 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती सेमानक मध्यरु 0 रु 18 वर्ष मध्य 9 जन पिला अछंती चिन्हट होइतिबा आक्रांत मध्य 40 जन क्वारंटाइन सेन्टर रु चिन्हट होइतिबा बेले 28 जन लोकल केस बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट रही देश में 24 घंटा मध्य 2468 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती 17 जनकर मृत्यु होता सूचना रही। परवर्ती अपडेट रही आसला नुआ नियम खुलम खुला बिक्री करिपारिबे नाही कंडम सहित यह सबू जिनिष वर्तमान राज्य तथा देशर नकली जिनिषर व्यवहार वृद्धि पाइबारे लागिछि फलरे याकु रोकिबा पई राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करिसंती तेबे किछि दिन एबो नकली औषध कारबार वृद्धि पाइबारे लागिछि याकु दृष्टि रखि औषध दुकान मानिको पई एक नुआ नियम लागू करा जाइछि। तेबे नुआ नियम अनुसार कोनोसी मेडिसिन स्टोर दुकानी माने कंडम एवं फेस मास्क साधारण जिनिष परी बिक्री करी परिबे नाही एथिपाई सेमानंकु किछि नियम मानिबा पई पड़िबो। प्रकृतरे मेडिकल उपकरण नियमर संशोधन अनुसार प्रत्येक मेडिकल स्टोर मालिक मानंकु एक पंजीकरण बा रजिस्ट्रेशन करिबा पई पड़िबो। नियम अनुसार थर्मोमीटर कंडम फेस मास्क चश्मा किंबा अन्य कौनसी मेडिकल उपकरण बिक्री करुथबा समस्त स्टोर मालिकों पई राज्य लाइसेंस प्राधिकरण रे पंजीकरण करिबा बाध्यतामूलक हेबो बोली सूचना रही। तेबे नूतन नियम परे मेडिकल उपकरण गुड़िकर रेकर्ड रखिबा सहज होइजिवो बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट रही अक्टोबर नवेम्बर में 5 दिन बंद रहिबो मद दुकान जानंतु लिस्ट चलित बर्षर अवशिष्ट दिन पई ड्राए डे नुआ तालिका प्रकाश करी दिल्ली सरकार नुआ तालिका अनुसार बर्षर अवशिष्ट 3 मास 6 दिन ड्राए डे हेब या पूर्वर 3 दिन ड्राए डे रखा जाउथला जहाकु नै अनेक विवाद देखा जाइथिला। तालिका अनुसार आज अर्थात 5 अक्टोबर मध्य राजधानी रे ड्राए डे रहिबो बोली सूचना रही। दिल्ली रे आप सरकार द्वारा लागू होता मद नीति को नहीं अनेक बिवाद होता जहाँफल सरकार को यह निष्पत्ति प्रत्याहर करने पड़ी तेब नुआ मद नीति घाटलार अभोग सीबीआई द्वारा जांच जारी रही। नुआ मद नीति बातिल दिल्ली में 1 सेप्टेम्बर पुराणा मद नीति ही बिक्री चली सूचना रही। दिल्ली में एवं केवल सरकारी दुकान में मद बिक्री होता सूचना रही। परवर्ती अपडेट रही आज 7 दिनिया विदेश ग्रस्तर वैदेशिक मंत्री विदेश ग्रस्तर जिबे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर आज अक्टोबर 11 जाए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ग्रस्त करेंगे जयशंकर आसंता का गुरुवार न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री सहित एक कार्यक्रम जोगदेवे सहित ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित देशर द्विपाक्षिक संपर्क को आहरी मजबूत करने आलोचना करेंगे बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट रही 5G अपेक्षा करुवा रिलायंस जिओ यूजर को अपेक्षार अंत आज रिलायंस जिओ यार 5G सेवा लॉन्च करुची अवश्य वर्तमान यह केवल 4 सहर से सीमित यूजर को मिल जाके सर्विस को कंपनी आज दिल्ली वाराणसी मुंबई कोलकाता रे आरंभ करी अर्थात सहर यूजर को जिओ 5G चलाइबार सुविधा प्रथमे मिलिबो। अवश्य कंपनी सबू ग्राहकों को सर्विस देउनाई तेबे एथिपाई कंपनी मागणारे 5 GB डाटा दउची एथिपाई ग्राहकों को इनभाइट करा जाउची जाके इनफेंशन SMS द्वारा पठा जाउथुबा सूचना रहउची। तो जो माने नुआ वर्तमान 5G यूज करिवे सेमानंकु 5 GB मागणा डाटा मिलिबो बोली सूचना रहउची। परवर्ती अपडेट रहउची सुपर फास्ट रे परिवर्तन हैला 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेन जाके भारतीय रेलवे पक्षरु 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेन को सुपर फास्ट ट्रेन ले परिवर्तित करा जाइछि।
या छड़ा 65 जोड़ा ट्रेन रो गति परिवर्तन करा जाई सुपर फास्ट वर्ग को अणा जाई ए ट्रेन गुड़ी करो गति 10 मिनिट रु 70 मिनिट मध्य रे रखा जाई रेल मंत्रालय गुड़िक नुआ समय सारणी रे एई विषय रे जणाइतिबा सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहुछि आसुछि आउरी दुईटी घूर्णी बलय आसंता 7 ओ 13 तारिख रे दुईटी सामुद्रिक घूर्णी बलय हेबा संकेत मिलुछि। पाणीपाग विभागर सूचना अनुजाई स्पष्ट घूर्णी बलयटी समुद्र पतन ठारु 5.8 किमी उच्चता पर्यंत परिव्याप्त होइथिबा बेले एहा दक्षिण पश्चिम आड़कु बळी रहिथिबा सूचना रहिछि। एहार प्रभावरे आज राज्यर अधिकांश स्थानरे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होइछि। विशेष करि मालकानगिरि कोरापुट गंजाम गजपति आदि जिल्लार 70-200 मिमी ओ नवरंगपुर रायगढ़ कंधमाल खोर्धा पुरी नयागढ़ जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक आदि जिल्लारे प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जाइछि। तो जेहेतु आगुकु लघुचाप होउछि पुणी आगुकु वर्षा जारी रहिबो बोली सूचना रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि एणिकि सरकारी स्कूल मानकरे छात्र छात्रीकर बर्थडे बा जन्मदिन पालन करा जिवो एनी शिक्षा निर्देशालय पक्षरु एक सर्कुलर जारी करा जाइछि। सरकारी स्कूल रो प्रथमरु अष्टम श्रेणी पिलांक जन्मदिन एणिकि क्लासरूम रे पालन करा जिवो तबे शिक्षा निर्देशालय रे पदक्षेप द्वारा पिला मानक मध्यरे एक नुवा भावना सृष्टि हेबो बोली आशा करा जाउछि। निकटरे दिल्ली सरकारे नुवा पदक्षेप नेइछंती जारी सर्कुलर मुताबक कृतज्ञता प्रेरणा सकारात्मक भावना को वृद्धि पाई दिल्लीर सरकार सरकारी स्कूल रे पढ़ुतबा छात्र छात्रीकर जन्मदिन पालन पाई कहिछन। परवर्ती अपडेट रहुछि आजियो काली प्रबल वर्षार संभावना 12 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी 7 होइपारे पागरे परिवर्तन लघुचाप वर्षार भिजुछि उपकूल ओडिशा आजि ओ आसंता काली प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। बंगोपसागर सक्रिय रहिछि लघुचाप बोली सूचना रहिछि। आसंता 24 घंटे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबा सहित आंध्र उपकूल मुआएब लघुचाप जहाँकि आज सका 8:30 पर्यंत प्रबल रु अति प्रबल वर्षा पाई 8 जिला गजपति गंजाम पुरी रायगढ़ मालकानगिरी कोरापुट कंधमाल जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। एसबु जिल्लारे तोलिया अंचल रे जलबंदी स्थिति उपजी पारे बोली सूचना रहिछि। पहाड़िया अंचल रे भूस्खलन ता सहित कच्चा घर क्षतिग्रस्त होबा आशंका रहिछि। सेहिपरि प्रबल वर्षा नै 12 जिल्ला को येलो वार्निंग एवं 7 पागरे परिवर्तन हबा सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहुछि पैतृक संपत्ति रे उत्तराधिकारी को हक देबाकु राजस्व विभागर नुआ निर्देशनामा बोली सूचना रहिछि। राज्यर समस्त जिल्लापाल मानंकु जारी होइतिबा निर्देशनामा अनुसार 1990 मसीहा अर्थात दीर्घ 32 वर्ष भितरे आउ अपार्टमेंट होइनाही जहाँफलरे पैतृक स्वत्वाधिकारी सेमानंकर उत्तराधिकारी पाखकु हस्तांतरर समस्या उपजुछि। तेणु जेपरी झरंतु जनक नाँर संपत्ति अछि तापरे तार उत्तराधिकारी मानंकु संपत्ति किपरि मिलिपारिबो सेनै खूब शीघ्र समाधान हेबो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहुछि बुर्ला भीमसार मेडिकल कलेजर विकास पई राज्य सरकार बड़ घोषणा करिपारंती। खूब शीघ्र सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ले परीक्षण करा जिवो एनै संबलपुर गस्तरे आसीथिबा बेले स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास सूचना देइछंती। संबलपुर हॉस्पिटल ले रोड स्थित एक अत्याधुनिक डेंटल क्लिनिक रो कार्यक्रम रे स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास जोग दे एनै सूचना देइछंती। परवर्ती अपडेट रहुछि राशन कार्ड धारी को पई खुशी खबर केन्द्र एवं राज्य सरकारों तरफर गरीब एवं राशन कार्डधारी को फ्री राशन समते अनेक खास सुविधा दि जाऊँगी। एथर दीपावली रे राज्य सरकारों तरफर राशन कार्डधारी घोषणा कर सूचना रही। तो जहाँकि जदि आपण कार्डधारी तेब आपण को राज्य सरकारों तरफर खाद्य पैकेट मिल तो आपण को कही रखुचु महाराष्ट्र मंत्रिमंडल मंगलवार राज्य रे राशन कार्डधारी को आगामी दीपावली वर्ष पई 100 टंका रो तेजराती सामग्री देबा पई
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି 100 ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଟରେ 1 କିଲୋ ସୁଜି, ଚିନାବାଦାମ, ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଓ ଡାଲି ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବା ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଡାଲି ଖାଦ୍ୟ ତେଲ, ଚିନାବାଦାମ, ସୁଜି ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ ବାହାରିବନି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦର ସମାଧାନ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ, କେଉଁଠୁ କେମିତି ଆସୁଛି ଟଙ୍କା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଗଣା ଯୋଜନା କଥା କହି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ମାଗଣା ଯୋଜନାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପଇସା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 19 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, 2024 ସବୁ ମୋବାଇଲ ଓ ଟାବଲେଟ୍ର ହେବ USB Type C କମନ୍ ଚାର୍ଜର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରରେ ବହୁତ ସାରା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 50,200 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 103.05 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 94.62 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ରାଜଧାନୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ଦୂରନ୍ତ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ ଟ୍ରେନ୍ର କମିଯିବ ଭଡ଼ା, ଯାହାକି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ EPF 7 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରେ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି EPF ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 81,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି EPF ସୁଧ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ସୁଧ ହେଉଛି 8.1% ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପୁରୀରେ ଭୂତ ଆତଙ୍କ, CCTVରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦିର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ମନର ଭ୍ରମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ CCTV ଫୁଟେଜ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। CCTVରେ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଘଟଣା ପୁରୀରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଛାଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୁରୀ ସଦର ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ CCTVରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଧଳା ଛାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୁଦା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ପରେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଭୂତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ରେଫର ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।